नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर अब हम लेकर आए हैं आईएल टी20 के दूसरे सीजन के क्वालिफायर्स के मुकाबलों की बातें। एमआई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच में होने वाला है मुकाबला। निशाद, ये सीजन टू भी बड़ा ही रोमांचक रहा, लेकिन इन दोनों टीमों के बारे में अगर बात करें तो दोनों की ही किस्मत इस पूरे लीग स्टेज में काफी ऊपर नीचे रही है। हेड टू हेड पर जब हम नजर डालते हैं तो यहां पर गल्फ जायंट्स का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस लीग स्टेज में कुछ अच्छा नहीं था। और अगर हम लीग स्टेज की बात करें तो एमआई एमिरेट्स ही एक ऐसी टीम है जिन्होंने शुरुआत से कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली थी, मगर गल्फ जायंट्स ने एक उछाल कर दी पॉइंट्स टेबल में और उन्होंने अपना स्तर बढ़ाया। और जो इकलौती जीत रही ना वो थी एमआई एमिरेट्स की, इसी साल आई थी पहले मुकाबले में उन दोनों के। करेक्ट, गल्फ जायंट्स ने टॉस जीता था उस मुकाबले में और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया एमआई को। एमआई एमिरेट्स के लिए कप्तान ने अर्धशतक लगाया और 15 गेंदों में 41 रनों की नाबाद पारी खेलकर एमआई एमिरेट्स के लिए 179 का स्कोर बनाया 5 विकेट के नुकसान पर। और दिस वाज अ बिट टू मच और गल्फ जायंट्स इसको चेस नहीं कर पाए। एमआई एमिरेट्स वन दैट मैच बाय 18 runs. मगर ये अलग एमआई एमिरेट्स की टीम थी क्योंकि पुरान टिम डेविड मेजर कंट्रीब्यूटर्स वो थे और फिर जो है फजल अक फरूकी भी थे उनकी टीम में। मगर ये देख लीजिए अगले मैच में जो है यहां गल्फ जायंट्स ने पलटवार कर दिया, एमआई एमिरेट्स को हराया और ये एमआई एमिरेट्स की अब की टीम है जब पोलार्ड आ गए। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे सीजन में कई सारे टीमों के लिए कई सारे खिलाड़ी आए हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से चले गए हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। और दूसरे मुकाबले में गल्फ बदला मिल गया और गल्फ जायंट्स ने 5 विकेटों से मुकाबला जीत लिया। अगर हम स्क्वाड पर नजर डालें तो यहां पर कायरन पोलार्ड आ चुके हैं, निकोलस पूरन जा चुके हैं, लेकिन आंद्रे फ्लेचर है, वसीम मोहम्मद जबरदस्त फॉर्म में है और साथ ही में कुशल परेरा, ये खिलाड़ी काफी महत्वपूर्ण है एमआई एमिरेट्स के लिए। हाँ, और देखिए फिर से अभी फजल अक फरूकी गए, अकील हुसैन गए, तो फिर टिम डेविड भी मिडिल ऑर्डर में, तो कायरन पोलार्ड आए, मगर वियास कांत जो आए हैं टीम में लेग स्पिनर के तौर पर, आई थिंक ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। लेट्स सी इनके लिए किसने ज्यादा रन बनाए हैं। कुशल परेरा, जो मैंने नाम लिया था, कुशल परेरा के 275 रन है, स्ट्राइक रेट खतरनाक, और वसीम मोहम्मद ने भी इस सीजन में भी कमाल किया है। ओ यस, वसीम मोहम्मद पिछले साल के बेस्ट यूएई प्लेयर थे पूरे टूर्नामेंट के और इस साल भी वो राह पर है उस टूर्नामेंट के खिताब को जीतने के लिए जो कि है ब्लू बेल्ट दिया जाता है यूएई के प्रथम खिलाड़ी। निकोलस पूरन और टिम डेविड दोनों नहीं है, आंद्रे फ्लेचर है जिन्होंने भी 200 प्लस का स्कोर बनाया है। तो बल्लेबाजी के लिए अगर देखें तो मोस्ट रन्स में काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम अभी भी मौजूद है एमआई एमिरेट्स के लिए, लेकिन इनकी गेंदबाजी में क्या अभी भी वो दम खम है, क्योंकि ट्रेंड बोल्ट तो है लेकिन उनके अलावा देखिए वकार सलाम खेल और बस, बाकी कोई खास ऐसा गेंदबाज आया नहीं है उभर कर। विजयकांत व्यास खान ने चलो एक अच्छा शुरुआत तो किया मगर काफी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड है। Correct. और अकील हुसैन का जो एक्सपीरियंस है वो शायद वो मिस करेंगे बिल्कुल। और ये देखिए जो सबसे ज्यादा विकेट उनके लिए फरूकी ने लिए 17 विकेट लेकर और उसके बाद सलाम खेल और ट्रेंट बोल्ट दोनों 14 विकेटों पर है, बट अकील हुसैन इज नो लॉन्गर इन दिस टूर्नामेंट, वो गए वेस्ट इंडीज के लिए खेलने। रोहित ने कुछ पारियों में अच्छा कंट्रीब्यूट जरूर किया बिल्कुल। एमआई के लिए अब उनकी गेंदबाजी उनकी वीकनेस बन चुकी है, क्या क्वालिफायर्स में इसका असर होगा। उनके फिक्चर्स पर अगर हम नजर डालें किस तरीके से उनकी यात्रा रही है, तो पहला मैच वो हारे थे दुबई कैपिटल्स के साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अच्छा वापसी अच्छी की थी और गल्फ जायंट्स, नाइट राइडर्स, शारजा वॉरियर्स को एक बार हराया। उसके बाद फिर एक बार जो सेकेंड हाफ था इस टूर्नामेंट का उसमें आखिरी दो मुकाबले वो हारे थे, इस बात पर गौर फरमाना पड़ेगा जी। और ये कब हारे पंकज, वो ये तब हारे जबकि वो चार जो उनके मेन खिलाड़ी थे वो टीम से निकल गए और नए खिलाड़ी आए। तो अब आपके लिए इनके टॉप तीन खिलाड़ी कौन होंगे इस क्वालिफायर के लिए। इस क्वालिफायर के लिए मेरे इनके टॉप तीन खिलाड़ी होंगे सबसे पहले तो मोहम्मद वसीम जी, दूसरे होंगे कुशाल परेरा और तीसरे फॉर ऑल टाइम सेक और क्योंकि उनका जो प्रेजेंस है कायरन पोलार्ड। ओके, मेरे लिए वसीम, फ्लेचर और ट्रेंट बोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं गल्फ जायंट्स की तरफ जो प्रतिद्वंदी है एमआई एमिरेट्स के। इनके फिक्चर्स पर जब हम नजर डालेंगे तो इनकी शुरुआत खराब रही थी, अगर पहले 5 मैचेस की बात करें तो 3 वो हार गए थे और उसके बाद आखिर के 4 मुकाबले जीतकर
वापसी की थी, एंड जनरली जब जब ये पहले बल्लेबाजी करते हैं तब तब ये जीते हैं, और इन्होंने वही फॉर्मूला क्रैक किया है। आप जैसे देख सकते हैं जो पिछले चार मुकाबले, वर्सेस शारजा वॉरियर्स 1/79 रन, वर्सेस दुबई कैपिटल्स 1/19 रन, एमआई एमिरेट्स 1/5 रन, 1/3 रन इन देयर लास्ट गेम। इनके लिए भी देखिए जेम्स विंस कप्तान अब फॉर्म में आ चुके हैं, क्रिस लिन तो है ही है, लेकिन साथ ही में जॉर्डन कॉक्स और जेमी स्मिथ ने भी अच्छा उनको एक सफल उनको एक सपोर्ट दिया है। देखिए जेम्स विंस का भी नाम है, क्रिस लिन, दोनों ने खतरनाक, और जेम्स विंस ने सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है। एग्जैक्टली, क्योंकि इनके पहले दो मैचेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन था, फिर डिप हो गए थे, मगर पिछले जो तीन चार मुकाबलों में जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है, उन्होंने टीम को संभाला है। और एक बड़ी बात इस टीम में मैं आपको बताऊं, ये एक इकलौती टीम है जिन्होंने अपने प्लेयर खोए नहीं है, नहीं है जी, सिर्फ जी, रेहान अहमद है जो आए नहीं थे शुरुआत से, क्योंकि वो इंग्लैंड के टीम में टेस्ट स्क्वाड, लेकिन जोहेब जुबैर नाम का जो खिलाड़ी इनको मिला है उसकी वजह से क्रिस जॉर्डन और जेमी ओवरटन को काफी फायदा हुआ है। अब गेंदबाजी इनकी एज कंपेयर टू एमआई एमिरेट्स थोड़ा सा स्ट्रांग लग रही है। नाउ दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। गल्फ जायंट्स के लिए आपके पास कौन से तीन खिलाड़ी होंगे आपको लगता है? मेरे लिए तीन खिलाड़ी होंगे, जेम्स विंस, शिमरॉन हेटमायर, और तीसरे खिलाड़ी मैं जिनका चयन करूंगा वो है जोहेब जुबैर। ओके, मेरे लिए जेम्स विंस, क्रिस लिन और शायद शिमरॉन हेटमायर। तो आपको क्या लगता है इस क्वालिफायर में, एमआई एमिरेट्स या फिर गल्फ जायंट्स? गल्फ जायंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि गल्फ जायंट्स की टीम अभी और सेटल लग रही है। एमआई एमिरेट्स का जो कोर है वो रिप आउट हो गया, नए खिलाड़ी आ गए, मगर कभी कभी आपको वो सेट होने में टाइम लगता है, और प्लेऑफ्स वो समय नहीं है। अब मुझे लगता है एमआई एमिरेट्स, आपको क्या लगता है बताइए इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हुए। निशाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, डिजिटल टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिफायर वन में क्या होगा ये हमने अभी आपको प्रिडिक्शन के रूप में बताया। बने रहिएगा हमारे साथ।